नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जी एस शुक्ल आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह योग के विद्यार्थियों के लिए खास करके बनाया गया है। योग के जो शिक्षार्थी हैं उनके सिलेबस में एक पाठ्यक्रम है जो शरीर क्रिया एवं शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है, उसी के बारे में यह वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। और इसमें शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में चर्चा क्रमशः की जाएगी। आज मैं जिस शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में आपसे चर्चा करने चल रहा हूँ, वह तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम को ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। कार्डियो और वैस्कुलर दो शब्दों के मिलने से यह सिस्टम बना है। कार्डियो का मतलब होता है हृदय आपका, और वैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है उससे जुड़ी हुई नलिकाएं, यानी हृदय और उससे जुड़ी हुई जो वेसल्स हैं उनके द्वारा जो तंत्र बना हुआ है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण, किसी चीज़ का परिसंचरित होना। तो हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, और रक्त के परिसंचरण में हृदय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हृदय हमारा एक पंप की भांति काम करता है। तो इस विषय पर आज मैं आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ, और आज का टॉपिक है हमारा परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, देखिए आपके सामने जो स्लाइड स्क्रीन पे दिख रही है वहाँ लिखा हुआ नो योर बॉडी। इसका मतलब होता है कि अपने शरीर के बारे में जाने, जानकारी रखें। आपका शरीर क्या है, शरीर किस तरह कार्य करता है, इसकी संरचना कैसी है, इसकी क्रिया पद्धति कैसी है। तो ये टॉपिक है नो योर बॉडी। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज जो पहला आपसे डिस्कशन कर रहे हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम का कर रहे हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं, आप देखिए लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का यह कार्य है कि वो शरीर के प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक ऊतक को, प्रत्येक अंग को, प्रत्येक अंग तंत्र को रक्त का प्रवाह निर्बाध रूप से प्रवाहित करे, वहाँ पहुँचाता रहे, और रक्त वहाँ पे बराबर पहुँचता रहे। और वह रक्त जो तमाम तरह के पोषक तत्व और ऑक्सीजन को लेकर जाता है उसका उपयोग कोशिकाएं करें, और वह पुनः वेनस सिस्टम के द्वारा रिटर्न होता है, और रिटर्न होकर फिर ब्लड आकर के हार्ट में मिलता है, और हार्ट से फेफड़े में जाता है, और वहां से शुद्ध होकर फिर शरीर में प्रवाहित होने के लिए गति करता रहता है। तो इसमें आप देखिए कि हार्ट, ये हार्ट है आपका जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हार्ट है बीच में बना हुआ है, और बाकी ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर लाल और नीले रंग की, ये नलिकाएं सब हृदय से जुड़ी हुई नलिकाएं हैं जिनके द्वारा शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता रहता है। तो इस तरह से आप देखिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र हृदय और विभिन्न नलिकाओं का जो समूह है उसको मिला करके बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी हृदय और उनसे जुड़ी हुई जो नलिकाएं हैं उनका तंत्र। यह जो शरीर के दो आकार आपके सामने दिख रहे हैं, एक तो ये शरीर का आकार आपके सामने दिख रहा है जहाँ पे हृदय है, और हृदय के अलावा उससे जो ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, रक्त की नलिकाएं दिख रही हैं, और पुनः ये उनका एक जाल देखिए किस तरह से पूरे शरीर में फैला हुआ है, नीले रंग से और लाल रंग से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी आप देखिए नीला और लाल रंग की दो प्रकार की नलिकाएं दिख रही हैं। नीला रंग जो दिख रहा है वो अशुद्ध रक्त का द्योतक है, यानी वेनस सर्कुलेशन का द्योतक है, और जो लाल रंग दिख रहा है शुद्ध रक्त का द्योतक है। रक्त शुद्ध और अशुद्ध, मैं जो ये दो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, अशुद्ध रक्त का मतलब ये होता है कि वह रक्त जिसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल चुकी है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है रक्त का वह हिस्सा जो कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त हो चुका है और ऑक्सीजन अवशोषित करके शुद्ध हो चुका है, यानी शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो नलिकाएं हैं, ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा रहा है, यानी वह रक्त जिससे ऑक्सीजन अवशोषित हो चुकी है और
दूसरा जो लाल रंग दिख रहा है उस रक्त के प्रवाह को दिखा रहा है जो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ऑक्सीजन से सेचुरेटेड है और शरीर में प्रवाहित होने के लिए चल रहा है, दौड़ रहा है। आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट। लोकेशन मींस स्थिति, हृदय की स्थिति कहाँ पर है, हृदय कहाँ स्थित होता है शरीर के अंदर। तो आप ये देखें, ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सामने जो पसलियाँ आप देख रहे हैं, पसली का एक पिंजड़ा जैसा दिख रहा है, इसको हम थोरैसिक केज कहते हैं, थोरैसिक केज। और इस थोरैसिक केज में आप देखिए इतनी पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ सामने आकर के एक चौड़ी हड्डी से जुड़ती हैं, जिसको सीने के बीच की हड्डी होती है चौड़ी वाली, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम के पीछे आप देखिए ये आपका हृदय जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वहाँ अवस्थित होता है। और ठीक स्टर्नम के पीछे ही इसकी लोकेशन इस तरह से देखिए, एक ऑब्लिक तिरछी स्थिति में ऑब्लिक स्ट्रक्चर है, ऑब्लिकली लाई करता है, ये फ्लैट लाई नहीं करता कि एक लाइन जैसा नहीं है, बल्कि ऑब्लिक यहाँ पे स्थित होता है। तो यह जो हमारा थोरैसिक केज है, थोरैसिक केज में हृदय अवस्थित है और इसका ज़्यादातर हिस्सा आप देखिए कि बाएँ तरफ के जो वक्षस्थल है हमारा, बाएं तरफ इसका ज़्यादा हिस्सा है और थोड़ा सा अंशतः हिस्सा इसका दाहिने तरफ के सीने में है। अब हमारा दोनों तरफ इसके फेफड़े हैं, इधर दाहिने तरफ का फेफड़ा है राइट लंग जिसको कहते हैं, और इसके बाएं तरफ बायां फेफड़ा है जिसको बायां लंग कहते हैं, लेफ्ट लंग कहते हैं। तो हमारा जो राइट साइड का लंग है और जो लेफ्ट साइड का लंग है, राइट दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा, इसके बीच में हमारा हृदय अवस्थित है। और इस प्रकार आप देखिए ये इससे जुड़ी हुई नलिकाएं हैं जो शुद्ध रक्त के लिए लाल रंग से दिखाई गई हैं और अशुद्ध रक्त के लिए नीले रंग का ये जो आप वेसल्स देख रहे हैं, अशुद्ध रक्त के लिए दिखाया गया हुआ है। लाल रंग जो है रक्त का शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मार्ग है और ये जो ब्लू कलर है, नीला रंग है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई का मार्ग है। इसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है और रेड कलर के थ्रू, लाल रंग के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा चल रहा है। तो लोकेशन में आप ये जानिए कि हृदय हमारा जो सीना है, आम भाषा में जिसको कहते हैं, उसमें चौड़ी वाली जो सीने की हड्डी है स्टर्नम, उसके पीछे अवस्थित है और वहीं अवस्थित होकर के यह पंप का कार्य कर रहा है। इसके दाहिनी तरफ दाहिना फेफड़ा है, बाईं तरफ बायां फेफड़ा है और उसके बीच में हमारा हृदय ये अवस्थित है और यहाँ अवस्थित रहते हुए पंप के रूप में कार्य कर रहा है और रक्त को परिसंचरण के लिए प्रेषित कर रहा है। अब आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हमने बताया कि हमारा हृदय जो है वो चार कक्षों में बटा हुआ है। जो ऊपर के कक्ष हैं, जैसे ये ऊपरी कक्ष है तो इसको एट्रियम कहते हैं, ये दाहिनी तरफ का है तो राइट एट्रियम हो गया, ये बाएं तरफ का है तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। और जो दो कक्ष नीचे होते हैं ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ऊपरी का हिस्सा हृदय का ऊपर का है जो कक्ष है, ये एट्रियम हो गया और नीचे के दो कक्ष हैं वेंट्रिकल हो गए। हमारा जो हृदय है वो ये देखिए दो भागों में बटा हुआ है। ये जो बीच की आप लाइन देख रहे हैं वो हृदय को दो भागों में बांट रही है और इस लाइन को सेप्टा कहते हैं, कार्डियक सेप्टा। कार्डियक फिर हम पुनः आपसे रिपीट कर रहे हैं, हृदय को द्योतित करता है और सेप्टा जो है ये मस्कुलर वाल है मायोकार्डियम की, जो इसके बीच में एक दीवार की भांति हृदय को दो भागों में बांट रही है, दाहिने तरफ का हृदय और बाएं तरफ का हृदय। तो ये हमारे जो बाहरी आवरण है हृदय का, आप देखें ये जो काला काला लाइन आपको दिख रहा है, चारों तरफ से जो हृदय को घेरे हुआ है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ से, पेरी का मतलब चारों तरफ सराउंडिंग से, और कार्डियम मीन्स जो हृदय को चारों तरफ से घेरे हुआ है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम का मुख्य कार्य फाइब्रस शीथ है, ये जो है इसका मुख्य कार्य है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना, फिजिकल प्रोटेक्शन देना हार्ट को। अब दूसरा जो बीच का ये मस्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मांसपेशी है जिससे हमारा हृदय बना हुआ है और आप ये देखें कि चारों कक्ष
इसके चारों तरफ आपको मायोकार्डियम की एक वाल दिख रही है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। आप देखिए कि जो ये दीवार लेफ्ट वेंट्रिकल की है वो और जितने तीन चैम्बर हैं सबसे ज़्यादा मोटी है। ये लेफ्ट मायो वेंट्रिकल का मायोकार्डियल वाल आप देखिए, इसकी थिकनेस और इनकी थिकनेस में बहुत फ़र्क है। तो ऐसा इसलिए होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा चैम्बर है हार्ट का जिसके थ्रू ब्लड शरीर में परिसंचरण के लिए प्रेशर से भेजा जाता है, और यहाँ से ब्लड प्रेशर के थ्रू ये जो आप वाल्व देख रहे हैं, यहाँ हमारा एओर्टा जुड़ा हुआ है, एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में परिसंचरण के लिए भेजा जाता है। चूँकि सर्वाधिक प्रेशर यहीं पे जनरेट होता है, जिसके वजह से यहाँ की मांसपेशी की मोटाई थिकनेस अन्य चैम्बर से अधिक है। अब आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये इसकी वेसल्स हैं जो हमारे हृदय से जुड़ी हुई हैं। अब पहला तो ये हमने बताया कि जो अशुद्ध रक्त है शरीर का, वो हमारे शरीर का जो निचला आधा हिस्सा है वहाँ से ये जो नीचे वाली ये वेन दिख रहे हैं, इन्फीरियर वीना केवा इसको कहते हैं, इसके द्वारा राइट एट्रियम में आ रहा है, और जो शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा है उसका अशुद्ध रक्त ये जो है सुपीरियर वेना कीवा इसके द्वारा ये राइट एट्रियम में आ रहा है। तो यहाँ देखिए आपको मुख्यतः दो ये वेन्स दिखाई पड़ रही हैं, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, जो अशुद्ध रक्त को ले आ करके राइट एट्रियम में डाल रही हैं। अब जब यहाँ राइट एट्रियम में अशुद्ध रक्त आ जाता है तो ये राइट एट्रियम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सिकुड़ने से क्या होता है, इसका जो प्रेशर है अंदर का वह प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ एक वाल्व बंद है, इस वाल्व पे प्रेशर पड़ता है और ये वाल्व नीचे की तरफ खुलता है, और खुलने से ये पूरा का पूरा रक्त आकर के राइट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाता है, और राइट वेंट्रिकल में जब अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो गया तो यह राइट वेंट्रिकल अब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। तो ये जैसे ही सिकुड़ता है यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ और ये जो वाल्व यहाँ इस तरह से खुला हुआ है वो तुरंत इस क्षेत्र को बंद कर देता है, और यहाँ का रक्त इस वाल्व के खुलने से पल्मोनरी आर्टरी है ये वाल्व यहाँ का खुला, और इसके थ्रू फेफड़े में ये रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए चला जाता है। अब ऑक्सीजन ग्रहण करने के उपरांत जो ब्लड शुद्ध हो गया तो वहाँ से फिर ब्लड परिसंचरण के लिए हृदय को पुनः आता है। तो पल्मोनरी वेन जो ब्लड को लेकर के फेफड़े से यहाँ हृदय में आ रही है, वो अपना पूरा का पूरा ब्लड का कंटेंट हृदय के इस बाएं तरफ के ऊपरी कक्ष में, जिसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, यहाँ पे रक्त को ले आकर के उड़ेलती है, यहाँ रक्त आकर के गिरता है, और जैसे ही रक्त यहाँ पे पहुँचता है यह जो छोटा चैम्बर है यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ते ही यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो ये जो वाल्व नीचे यहाँ लगा हुआ है इसको माइट्रल वाल्व कहते हैं या बाइक स्पीड वाल्व कहते हैं, ये भी नीचे खुल गया, और खुलते ही ये पूरा का पूरा रक्त आकर के ये नीचे वाला जो चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको कहते हैं यहाँ आकर के भर जाता है, इसमें इकट्ठा हो जाता है, और जब यहाँ ब्लड इकट्ठा हो गया तो ये एरिया जो है रिलैक्स करता है, यानी जो सिकुड़ा था वो फैल गया, और यहाँ रक्त के इकट्ठा होते ही यह जो चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल ये जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसके सिकुड़ने से यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में यह जो हमारी वेसल है सबसे बड़ी वेसल एओर्टा एक वाल्व के द्वारा यहाँ जुड़ी हुई है, और यहाँ के बढ़ने से यहाँ का जो वाल्व है वो ऊपर की तरफ खुल जाता है, इस वाल्व को सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं या एओर्टिक वाल्व कहते हैं, और इसके खुलते ही हमारा रक्त यहाँ से पूरा प्रवाहित होने के लिए एओर्टा के द्वारा हृदय के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि रक्त का परिसंचरण हमारे हृदय में इस प्रकार से संपादित हो रहा है। आप देखिए पहले अशुद्ध रक्त, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट एट्रियम में दो इम्पॉर्टेंट जो ये वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा नीचे से आ रही है, सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आ रही है, ये अशुद्ध रक्त को यहाँ ले आकर के उड़ेलते हैं, और यहाँ से रक्त जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है
तो उसके प्रेशर के द्वारा ये जो हमारा वाल्व है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व जिसको कहते हैं, ये खुल जाता है, पूरा रक्त राइट वेंट्रिकल में चला गया। और राइट वेंट्रिकल में जब रक्त पहुँच जाता है तो ये एरिया जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिलैक्स हो जाता है, फैल जाता है। इसके फैलने से ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। यहाँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ का ये क्षेत्र जो है ये वाल्व बंद हो जाता है। और बंद होने के साथ ही ये प्रेशर बढ़ने से जो ऊपर का इसका ये वाल्व है, ये वाल्व पल्मोनरी वाल्व कहलाता है, और ये खुलता है और ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों तरफ के फेफड़े में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। और जैसे ही अवशोषित ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, फेफड़े में मौजूद ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, पुनः वह दो जो हमारी वेन्स हैं पल्मोनरी वेन हैं उसके थ्रू आकर के, पल्मोनरी वेन आप सामने एक ही देख पा रहे हैं लेकिन बेसिकली ये यहाँ पे एक लेफ्ट साइड से आ रही, राइट साइड से, कुल यहाँ फोर वेन्स होती हैं जो अपने पूरे कंटेंट को, ब्लड को यहाँ पे ले आ करके उड़ेलती हैं। और इसके द्वारा जैसे ही ब्लड इस चैम्बर में आता है ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ ये जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व जिसको माइट्रल वाल्व कहते हैं खुलता है नीचे की तरफ, पूरा का पूरा रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पुनः कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। और ये जो वाल्व एओर्टा का जो एओर्टिक वाल्व है ये खुलता है और एओर्टा के थ्रू ब्लड परिसंचरण के लिए पूरे शरीर में चला जाता है। अब ये आप देखिए, ये हृदय का एक स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत है। ये आप देखिए हमारा हृदय, अगर आप देखिए तो हृदय के पीछे से, अगर देखिए सीने के पीछे की तरफ से हृदय अगर लगा है तो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये हृदय ये इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। आप देखिए इसमें कक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो कक्ष आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा ये राइट एट्रियम का है और ये है जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये राइट वेंट्रिकल का है। ठीक इसी प्रकार से ये लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख पा रहे हैं। और इस प्रकार से आप देखिए तो जितना भी हमारा ये बड़ा वाला वेन, ये बड़ी आर्टरी आपको लाल रंग की दिखाई पड़ रही है, ये ओर्टा हो गया, ये सुपीरियर वेना केवा हो गया, ये आपका इन्फीरियर वेना केवा हो गया। और ये जो मांसपेशी आप देख रहे हैं मायोकार्डियम जिससे हृदय बना है, इसको सप्लाई करने वाली जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं ये सब कोरोनरी आर्टरी कहलाती हैं। और इनको आप देख करके समझ सकते हैं कि ये पीछे से अगर आप हृदय को देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। अब हृदय का हमारा ये जो नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा इसका एपेक्स कहलाता है और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इसका बेस कहलाता है। तो एपेक्स हो गया और ये ऊपर का हिस्सा इसका बेस कहलाता है। आप यहाँ भी देखिए कि हृदय एक ऑब्लिक स्ट्रक्चर में है, ये एकदम सीधा नहीं खड़ा है बल्कि थोड़ा तिरछा, आप देखिए तिरछा दिख रहा है। इस तरह से आपके हृदय जो थोरेसिक केज है, आपका जो वक्ष स्थल है उसमें स्टर्नम के पीछे अवस्थित है। अब अगर सामने से हृदय को आप देखें तो सामने से हृदय आपको इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। ये हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट, आप सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह से हार्ट दिखाई पड़ेगा। अब वो जो पीछे का हिस्सा था पोस्टीरियर व्यू था हार्ट का, वो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पुनः वही सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं और सामने से देख रहे हैं, जैसे लेफ्ट एट्रियम हो गया ये आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया ये आपको दिख रहा है। और इस तरह से आप ये देखिए ये पल्मोनरी वेंस हैं जो हमने बताया ना कि फेफड़े से जब ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है रक्त तब वो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आकर के जुड़ता है और यहाँ उस रक्त को उड़ेलता है। ये चैम्बर उस रक्त को रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो रक्त जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू, आप देखिए ये एओर्टा है, फिर इसकी ब्रांचेज हैं निकल रही हैं, इनके थ्रू फिर पूरे बॉडी में परिसंचरण के लिए चला जाता है। तो ये सामने का हिस्सा है हार्ट का, आप इस प्रकार देख सकते हैं। अब देखिए हृदय हमारा दो सर्किट से गुजरता है। पहला सर्किट कहलाता है पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट का मतलब होता है, पल्मोनरी शब्द का मतलब होता है कि फेफड़ा,
यानी ये जो हमारे दो फेफड़े हैं, आप ये देखिए यहाँ पे फेफड़े का स्ट्रक्चर बना हुआ डायग्राम, ये फेफड़ा है, एक दाहिना फेफड़ा है, एक बायां फेफड़ा है। तो आप ये देखिए, ये जो हमारा अशुद्ध रक्त है यहाँ पर आता है शुद्ध होने के लिए। यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है और ये ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। ये देखिए एरो दिख रहा है कि जब यहाँ आता है तो ब्लू है, यानी अशुद्ध है, लेकिन जब यहाँ से निकल रहा है, ये एरो देखिए निकलने का दिखा रहे हैं, तो ये लाल हो गया, यानी कि अब वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर चुका है और रक्त शुद्ध हो गया है। तो आप ये देखिए, ये दो वेसल यहाँ हैं, ये दो वेसल यहाँ हैं, इनके थ्रू ब्लड आ करके लेफ्ट एट्रियम में गिरता है। जैसे हमने अभी आपसे कहा था कि आपको सामने वाले व्यू से केवल एक ही दिख रही थी, लेकिन आप देखिए कि दो वेसल यहाँ हैं, दो वेसल यहाँ हैं, ये ले आकर के ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में उड़ेल रही हैं, वहाँ से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आप देखिए कि एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में परिसंचरण के लिए चला जाता है। तो जब फेफड़े में ब्लड जाता है और फेफड़े से फिर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो इस सर्किट को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। दूसरा सर्किट है सिस्टेमिक सर्किट। सिस्टेमिक सर्किट का मतलब ये हो गया कि रक्त जो है शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल से, हमारे इस लेफ्ट वेंट्रिकल को आप देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एरो देख रहे हैं, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व है, इसके थ्रू ब्लड एओर्टा में जाता है और फिर पूरे शरीर में प्रवाहित होने के लिए वो चला जाता है। तो जब पूरे शरीर में प्रवाहित होता है तो इसको सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। तो दो तरह के सर्किट हो गए, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट। अब एक डिफेक्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है हार्ट की संरचना में कभी कभी। कंजेनाइटल का मतलब हुआ कि पैदाइशी, जब शिशु गर्भ में डेवलप होता रहता है तो उसी दौरान कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके वजह से हृदय का जो ये बीच की दीवार होती है, सेप्टा जिसको हम कहते हैं, आप सेप्टम देख रहे हैं, जो हृदय को दो भागों में बांटता है, यानी बाएं तरफ का हृदय और दाहिने तरफ का हृदय, और इसका कारण सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारा जो रक्त का प्रवाह हो वन वे हो, यानी एक तरफ से रक्त आ रहा है तो दूसरी तरफ से रक्त प्रवाहित हो रहा है, जा रहा है, ये बीच में कहीं इंटरकनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये सेप्टा जो एक वाल है, दीवाल टाइप बना हुआ है, कभी कभी ये बीच में कहीं से पूरा बंद नहीं हो पाता, तो ये कम्युनिकेशन हो जाता है, पता चला इधर का रक्त इधर आ रहा है या इधर का रक्त इधर आ रहा है। तो अगर एट्रियल रीजन में हो रहा है, जो ऊपर के राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इस रीजन में जो ये दीवाल है, अगर ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ देखिए, ये के इधर का ब्लड इधर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये जो वाल है ये पूरी तरह से बंद नहीं है, जिसके वजह से लेफ्ट एट्रियम का ब्लड इधर आ जा रहा है या इधर का ब्लड उधर जा सकता है। तो ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, यानी ये दीवाल जो एट्रिया रीजन में है वहाँ पे छेद है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है। और कभी कभी यही आगे बढ़ करके एट्रिया के अलावा वेंट्रिकल रीजन में हो जाती है प्रॉब्लम। जैसे देखिए, वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, कायदे से इसको पूरा बंद होना चाहिए था, लेकिन ये बंद न हो करके यहाँ एक देखिए रास्ता बन गया है, इसके द्वारा यहाँ का ब्लड यहाँ आ रहा है। तो यह भी एबनॉर्मलिटी है, ये पैदाइशी डिफेक्ट है, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली दो तरह के सेप्टल डिफेक्ट हुए, एक ASD जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हुआ और दूसरा VSD जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हुआ। अब इसके आगे हम इसकी क्रिया प्रणाली को थोड़ा सा आपको व्यक्तिगत रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, स्लाइड्स के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि हमारा हृदय वो किस प्रकार से शरीर में कार्य कर रहा है। अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि हृदय एक ऐसा तंत्र है जो परिसंचरण करने के लिए एक पंप की भांति काम करता है, रक्त को परिसंचरण कराता है। तो हृदय लगातार गति करता रहता है, वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, इस तरह से लगातार वो फंक्शन करता रहता है। और यह क्रिया गर्भावस्था से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। हृदय अगर अस्थायी रूप से बंद हो गया तो जीवन समाप्त। तो यह जो क्रिया हृदय कर रहा है
सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, तो ये दो एक्शन जो हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तो इसको सिस्टोली कहते हैं, और जब रिलैक्स करता है तो इसको डायस्टोली कहते हैं। यानी सिकुड़ने पे सिस्टोल हुआ और फैलने पे डायस्टोल हो गया। तो इस तरह से हमारा जो हृदय का पूरा आकार है, आप देखते हैं जो ऊपर के दो हिस्से हैं जिनको हम एट्रिया कहते हैं, और नीचे के जो दो चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो ऊपर का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो वाल्व खुलते हैं वो नीचे की तरफ खुलते हैं, इस तरह से खुलते हैं। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से एट्रिया ने किया, प्रेशर बढ़ा अंदर, तो जो वाल्व है वो इस तरह से नीचे रहता है, वो खुल जाता है, और वाल्व के खुलते ही पूरा का पूरा रक्त वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट एट्रियम का पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट एट्रियम का पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है वो नीचे की तरफ खुलता है। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हमने कहा ट्राइकस्पिड है, ट्राई का मतलब तीन, कस्प मीन्स उसमें तीन आपस में पार्ट जुड़ करके तब वो ट्राइकस्पिड शेप देता है, वो राइट वेंट्रिकल में खुल रहा है। और जो बाएं तरफ का एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, वो बाइकस्पिड है, यानी उसमें दो कस्प हैं, वो भी नीचे की तरफ खुल रहा है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे का जो हिस्सा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अंदर प्रेशर जनरेट हुआ, तो जब ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ा तो चढ़ने के दौरान जो आर्टरीज या इससे वेसल्स जुड़ी हुई हैं, राइट साइड के वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी है, तो उसका जो वाल्व है वो ऊपर की तरफ खुलता है। और जैसे ऊपर की तरफ खुला, पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर वो फेफड़े में सर्कुलेट होने के लिए चला गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे जो वेसल जुड़ी हुई है एओर्टा है, और उसके बीच में जो वाल्व है एओर्टिक वाल्व है वो भी ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाता है। और उसके खुलते ही जैसे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड दौड़ पड़ता है एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट होने के लिए। तो ये जो दो वेसल्स हैं, एक हमने बताया पल्मोनरी आर्टरी और इधर एओर्टा, इनमें जो दो वाल्व लगे हैं वो सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं। सेमी ल्यूनर जैसे अर्ध चंद्रमा होता है, अर्ध चंद्राकार, उस तरह से सेमी ल्यूनर वाल्व्स होते हैं जिनको हम एओर्टिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तो इन वाल्व्स का केवल एक फंक्शन होता है कि जो रक्त का परिसंचरण है वो वन वे होना चाहिए, वो रिटर्न नहीं होना चाहिए। किसी भी अवस्था में ब्लड को बैक नहीं रिटर्न होना चाहिए। अगर वो राइट वेंट्रिकल से निकल गया या लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल गया या एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है तो वन वे ही सर्कुलेशन, वो बैक नहीं होना चाहिए। कभी कभी इन वाल्व्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके वजह से हमारा जो क्लोजर है वाल्व का अगर पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है तो नीचे का प्रेशर बढ़ने से बैक ब्लड चला जाता है, जिसको हम लोग रिगर्जिटेशन कहते हैं। रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, एक रिवर्स दिशा में, उसी दिशा में जिससे आया है फिर उसी से दूसरे ऊपर वाले चैम्बर में जा रहा है या नीचे वाले चैम्बर में वापस चला आ रहा है, तो इसको रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो ये असामान्य स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि हमारे हार्ट को करंट चाहिए, और करंट जब जनरेट होता है तो उसी से ही हार्ट हमारा पंप करता है, और यह करंट जो जनरेट होता है राइट एट्रियम में, एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको एसए नोड कहते हैं। एसए नोड स्पेशलाइज्ड एक स्ट्रक्चर है जो साइनो एट्रियल नोड कहलाता है, और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फिर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्स होते हैं हमारे मायोकार्डियम में फैले हुए, ये भी नोड है जहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन है, बीच का जो एरिया है सेप्टम, वहाँ ये भी नोड है, वो रिसीव करता है वहाँ से, और फिर बंडिल ऑफ हिज और बंडिल जितने भी ब्रांचेज हैं, राइट बंडिल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, इनके द्वारा पूरे मायोकार्डियम को सप्लाई करता है, और इस तरह से हमारा जो हृदय है वो गति करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यह क्रिया संपादित होती रहती है। तो इस प्रकार से हृदय एक पंप की भांति कार्य करता रहता है, और हमारे रक्त को रिसीव करता है,
फिर फेफड़े में भेजता है शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के बाद फिर फेफड़े से रक्त को रिसीव करता है अपने लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पूरे बॉडी में संचरित होने के लिए उसको प्रवाहित करता रहता है। इस प्रकार आप देखें कि ब्लड परिसंचरण के लिए हृदय के ही द्वारा पूरे शरीर में गति करता है, हृदय के ही द्वारा पूरे शरीर में रक्त दौड़ रहा है। तो हृदय हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसमें किसी प्रकार का अवरोध जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है। धन्यवाद।